बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया और वही पास की एक बड़े से झाड़ी में छुपकर बैठ गया। राजा देखना चाहता था कि आखिर कौन वो पत्थर को रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाए। उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर रास्ते से गुजर रहा था। वह पत्थर के पास पहुंचा। किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। पत्थर को हटाते ही उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक कपड़े का थैला पड़ा है। थैले में कई सोने के सिक्के और राजा का एक पत्र था, जिसमें लिखा था कि यह सोने के सिक्के उस व्यक्ति के हैं जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाया है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा में अपनी परिस्थिति को सुधारने का अवसर होता है।